ग्रोसरी पढ़ने। सवाल लिखवाया था पिछली क्लास में, उसको करता हूँ सॉल्व। एफ वन पढ़े हैं। एक्सपेंस क्या पढ़ा रहा हूँ? एक्सपेंस पेड इन एरियल ना। एंट्रीज बताता हूं पहले। फर्स्ट कब? नहीं 30th अप्रैल, सॉरी 20। मैंने एंट्रीज कौन सी मांगी है? 19, 20 और 19 और 20। 21 की भी। अकाउंटिंग में क्या बोला मैंने? नहीं नहीं सॉरी 19 और 20। ठीक है 19 और 20। 2019 में पेमेंट हो रही है कोई? ये जो 30 अप्रैल को रेंट दिया है, ये किस 12 महीने का रेंट है? पिछले 12 महीने। अगर हम इसकी टाइमलाइन बना के देखें तो 30 अप्रैल 20 को जो रेंट दिया है, पे यहां हुआ है। कितना पे हुआ है? 72,000 पे यहां हुआ है। लेकिन है वो इन 12 महीनों से रिलेटेड, यानी 1 मई 19 से शुरू होके फिर जो अगले 12 महीने चले उनका रेंट दिया यहां है कितना? 90। लेकिन है वो इन 12 महीनों से रिलेटेड। वो अकाउंटिंग ईयर जो 1 जनवरी 19 से 31 दिसंबर 19 में है, इस 72,000 वाले 12 महीने इसमें कोई रिलेट कर रहे हैं? ये काली वाली लाइन 72,000 रुपए है, इसमें से इसमें कुछ फॉल नहीं कर रहा। कितना? कितने महीने? 7 के 8 महीने। देखें ये 72,000 किन 12 महीनों का एंड है? इनका है ना। तो इस पीरियड में से हमारे अकाउंटिंग ईयर में कितने फॉल कर रहे हैं? 8 महीने। इस 72,000 में से 8 महीने हमारे अकाउंटिंग ईयर में फॉल कर रहे हैं। तो इस साल का रेंट एक्सपेंस लॉजिकली कितना होगा? 48,000। अगला अकाउंटिंग ईयर हमारा 1 जनवरी से शुरू हुआ और 31 दिसंबर 20 को खत्म हुआ। पहले सिर्फ लॉजिकल कैलकुलेशंस करते हैं। इस 72,000 में से इसमें कितने? 72,000 × 4 महीने 24,000। और इस 90,000 ये जो कि इन 12 महीने पर फैला हुआ है, इनमें से कितने महीने इधर के हैं? 90,000 में से 8 महीने 60,000। इस साल का लॉजिकली एक्सपेंस फॉर द ईयर कितना बना? 84,000। और इस ईयर का 48,000। पहले तो कैलकुलेशंस की हद तक बताएं, बात समझ आई, फिर एंट्रीज की बाद में बात करते हैं। इस 72 में से इतने महीने 19 में फॉल कर रहे थे, इतने महीने 20 में फॉल कर रहे हैं। इस 90 में से इतने महीने 20 में फॉल कर रहे हैं। में कोई पेमेंट हुई 31 दिसंबर 19 तक? कोई पेमेंट हो सकी रेंट की? नहीं। पहली पेमेंट ही कब हुई जाके? 72,000। ठीक है, ये पेमेंट नहीं हो सकी। पहले मैं 2019-20 की एंट्रीज बना के देता हूं। 30 अप्रैल 20 को पेमेंट हुई कितनी? 72। अकाउंटेंट को क्या पता है, पैसे देते हैं तो एक्सपेंस है, रेंट एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट 72,000।
ये 2020 पहले करूं मैं, 72,000 पे किया तो एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट, ये 72,000 ना। अब हम ईयर एंड पे आए और ईयर एंड पे ये पता चला कि इस 90,000 का भी एक पोर्शन हम यूज कर चुके हूं मैं, इतना ये पे कर चुके हम यहां तक, जो बात दोबारा सुने, 90,000 का भी एक पोर्शन हम यहां यूज कर चुके हुए ना, तो इसकी पेमेंट कर दिए, लेकिन है तो इसी साल का, तो क्या करें, इसको एक्सपेंस बनाएं और पैसे तो नहीं दिए, तो फिर एक पेबल बना लें। तो ईयर एंड पे आके हम एक काम ये करेंगे, कि 90,000 में से मजीद है जो हमारा हिस्सा बन जाना चाहिए, कितना, ये 60 वाली बात आई समझ, पैसे नहीं दिए, हम एक लायबिलिटी बना लेते हैं। इस लायबिलिटी के लिए ज्यादातर नाम इस्तेमाल होता है एक्रूड रेंट, ये एक लायबिलिटी है, ये एक लायबिलिटी है, पे किया एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट, लेकिन ईयर एंड आ गया और हमें नजर आ रहा है कि हम 90,000 का एक हिस्सा यूज कर चुके हुए हैं लेकिन उसके पैसे नहीं दिए, वो भी तो एक्सपेंस है, तो उसको हमें एक्सपेंस बनाना पड़ा, 60,000 एक्सपेंस डेबिट, पैसे नहीं दिए तो साथ लायबिलिटी बना ली। इसी तरह की एक हरकत पिछले साल भी तो की होगी, जब 19 सेंट हुआ होगा और हमें ये रियलाइज हुआ होगा कि इस 72,000 का हिस्सा यूज कर लिया है, तो उसको 19 में एक्सपेंस कहना चाहिए था, कितना, 48। तो इसी तरह का एक काम हमने यहां भी किया होगा, क्या किया होगा, रेंट एक्सपेंस डेबिट कितने से, 48, और पैसे नहीं दिए थे तब, तो एक्रूड रेंट बनाया होगा, मैंने ना पहले कल परसों भी कहा था कि एंट्रीज मैं आपको कराऊंगा जरूर समझाने के लिए, लेकिन एंड रिजल्ट ये है कि आपको एक कैलकुलेशन आनी हो और जो टी अकाउंट बताऊंगा वो आनी हो, अदरवाइज ये चैप्टर इंट्रो में शायद 5-6 दिन पढ़ाया जाता, अभी मैंने इसको 2 दिन में कवर करना है, तो इसकी एंट्रीज बता जरूर रहा हूं लेकिन मेन कॉन्सेप्ट मेरा काम चल जाएगा अगर आपसे कैलकुलेशन हो जाए और जो टी अकाउंट बनाना है वो हो जाए, समझा, बहरहाल मैं फिर भी रहा हूं एंट्रीज। 2020 के एंड पे काम किया तो 19 में भी ऐसे ही किया था ना, ठीक है कि नहीं, ये 48 इस 72 का हिस्सा है, इसके अलावा इस 72 का हिस्सा है, पिछले साल हमने 48 को एक लायबिलिटी बना लिया था, पे हो गया, ये 48 के अलावा 72 है, इसके अंदर शामिल है, इसके अंदर शामिल है, पेमेंट हो गई तो लायबिलिटी रही, खत्म हो गई ना लायबिलिटी, खत्म तो एक्रूड रेंट हो गया डेबिट, पेज हो गया तो लायबिलिटी नहीं रही, लेकिन एक गड़बड़ ये हुई कि हम इस 72 में से इतने को पहले एक्सपेंस कह चुके थे, अब 72 को फिर एक्सपेंस कह दिया, तो कुछ डुप्लीकेशन होगी कि नहीं, क्या डुप्लीकेशन होगी, हम 48 को तो पहले कह चुके थे, 72 फिर कह दिया, तो इसको यहां रिवर्स कर देते हैं। इन सिंपल वर्ड्स, जो पिछले साल के एंड पे हमने ये एक्रूवल रिकॉर्ड की थी, अगले साल वो रिवर्स हो जाया करेगी, क्योंकि अकाउंटेंट कहता है पैसे दे जाओ तो एक्सपेंस बनाए जाओ, बस साल के एंड पे देखेंगे क्या करना, पैसे देते जा रहे हैं एक्सपेंस बनाते जा रहे हैं, साल के एंड पे देख रहे हैं, पहले क्या देख रहे थे, ज्यादा तो नहीं दे दिया, ज्यादा दे दिया था तो प्री पेमेंट बनाई थी, अब देखा कि कम दिया है लायबिलिटी बना ली, एक प्रोसीजर है कि पेमेंट होती जा रही है एक्सपेंस बनाते जा रहे हैं, अगर हर पेमेंट के ऊपर ये देखना शुरू कर देना कि इस साल का है कि अगले साल का है, मुझे आपकी बात समझ आ गई है कि पिछले साल की भी तो फिर कैलकुलेशन ही देखनी पड़ेगी ना, तो एक प्रोसीजर चलाया हुआ है कि पेमेंट कर रहे हैं एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट, बाद में देखें, जी बिल्कुल बिल्कुल प्रैक्टिकल बात है, ईयर एंड पे आके एडजस्टमेंट होती है कि कितना प्रीपेड है कितना एक्रूड है, अदरवाइज पेमेंट करते हुए एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट, चलें बाकी फिर अभी नमाज की ब्रेक करके फिर करते हैं। अच्छा जी, ब्रेक से पहले हमने क्या किया था, हाँ मैंने एंट्री डिस्कस कर ली थी, दोबारा बताता हूं, अब ये हो रहा है कि एक्सपेंसेस पेड इन एरियर्स हैं और इस 12 महीने के खत्म होने पे हम ये पे कर रहे हैं, इस 12 महीने के खत्म होने पे हम 90,000 पे कर रहे हैं, जब 19 खत्म हुआ था
तो इस 72,000 में से पे तो कुछ नहीं हुआ था, लेकिन इसके 8 महीने यूज हो गए हुए थे, तो एक्सपेंस हमें बनाना पड़ेगा, रेंट एक्सपेंस डेबिट, क्या क्रेडिट लायबिलिटी, क्योंकि हमने एक्सपेंस बना लिया, पैसे नहीं दिए, एक्सपेंस हमारा बन चुका, क्यों बन चुका एक्सपेंस, क्योंकि हमने बिल्डिंग यूज कर ली, सर्विस यूज कर ली, बेनिफिट ले चुके, तो अब हमें एक्सपेंस तो बनाना पड़ेगा, अक्रूअल कॉन्सेप्ट, पैसे नहीं दिए इसलिए लायबिलिटी बना ली, एक्रूड रेंट कहते हैं इसको, इसको अगले साल रिवर्स कर दिया, इसको अगले साल रिवर्स कर दिया, फिर इस साल जितने पैसे दिए ये सोचे समझे बगैर कि पिछले साल के हैं कि इस साल के हैं कि अगले साल से, एक रूटीन है, एक रूटीन है बस, कि आप ऐसे समझ लें कि एक शॉप से कुछ सामान खरीद रहे हैं और बस प्रोसीजर है कि वो सारा कुछ शॉपर में डाल रहे हैं, बस घर लाके फिर देखेंगे कि किसके इसमें से किस किस का क्या क्या सामान था, तो एक प्रोसीजर है कि जो पैसे दिए जा रहे हैं एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट, साल के एंड पे देखेंगे क्या करना है, तो साल के एंड पे आए और देखा कि इस साल हमने 90,000 का फिर कुछ पोर्शन यूज कर लिया हुआ है, पैसे नहीं दिए तो हमें इसके भी इस हिस्से को एक्सपेंस बनाना पड़ेगा, एक्सपेंस बनाया और पैसे नहीं दिए इसलिए साथ लायबिलिटी बना ली, और ये साइकिल हर साल चलता रहेगा, क्या साल के एंड पे वो पोर्शन जो हम यूज कर चुके लेकिन है अगले साल पे होना उसको एक्सपेंस और लायबिलिटी बनाया और अगले साल के शुरू में रिवर्स कर दिया, और जो पैसे दिए एक्सपेंस फिर साल के एंड पे जितना अगले साल की पेमेंट का वो हिस्सा जो यूज कर चुके उसको एक्सपेंस और लायबिलिटी बनाया और फिर उससे अगले साल रिवर्स, ये साइकिल चलता रहेगा। अब इस साइकिल का मैं आपको एंड रिजल्ट डायरेक्टली उस अकाउंट तक पहुंचा देता हूं, केस वन वाला अकाउंट ध्यान में रखें, यहां पर क्या आता है ओपनिंग प्रीपेड एसेट था इसलिए साइड पे आ रहा था, अब ओपनिंग लायबिलिटी के साइड पे आएगी इधर, तो ओपनिंग एक्रूड इस साइड पे, और इधर क्या था पेमेंट, तो अब भी इधर ही आएगी क्योंकि एक्सपेंस पे होगा तो एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट, तो पेमेंट तो अब भी यहीं आएगी, और इधर क्या था एक्सपेंस फॉर द ईयर, और क्या था क्लोजिंग प्रीपेड इधर था, तो अब क्लोजिंग अक्रूड इधर आ जाएगा। अच्छा होगी इसके पीछे वही एंट्रीज वाली साइंस ही, मैंने आपको यहां पर इन एंट्रीज करने के बाद दो अकाउंट बना के दिए थे, एक एक्सपेंस का अकाउंट था, एक प्रीपेड इंश्योरेंस का अकाउंट था, अब भी ऐसे ही होगा, एक एक्सपेंस का अकाउंट होगा और एक अक्रूड रेंट का अकाउंट होगा, लेकिन मैंने जब वो बता के लाना इधर ही है तो मैं डायरेक्टली यहां ले आया, ठीक है, मैं डायरेक्ट उसको स्किप करके डायरेक्टली यहां आ गया हूं, और अब बैलेंस करके क्या मिलेगा इस साइड पर, ये नंबर थ्री सवाल लिख लें इसका, एक इसको करें नोट तो कर लें, सवाल लिखे फिर, एनुअल रेंट इज पेड इन एरियर्स, ऑन एवरी 1st September, on every 1st September, rent paid on 1st September 20, $120,000, 1,20,000, और रेंट पेड ऑन 1st जनवरी, क्या बोलूं पहले क्या बोला
पहले क्या बोला था, फर्स्ट सितंबर, हाँ फर्स्ट सितंबर 21 इन यू से अगला ना, फर्स्ट सितंबर 21 156,000. अच्छा बेशक आपको डेट फर्स्ट जनवरी फर्स्ट सितंबर लिखी नजर आ रही है, लेकिन जब मैंने कहा है नेरियर्स, तो ये फर्स्ट सितंबर को जो पे हो रहा है ये कौन सा, ये पिछले 12 महीनों से रिलेटेड है. चलो 31st अगस्त की बजाय फर्स्ट सितंबर को दे दिया होगा, पेमेंट डेट मैंने बताई है फर्स्ट सितंबर 20. एरियर कहा है मतलब पिछले 12 महीने जो 31st अगस्त को खत्म हो रहे थे, तो 31st अगस्त को दे देते या 1st सितंबर को दे देते, एक दिन का ही फर्क है ना. तो एरियर कह दिया तो इसका मतलब है पिछले 12 महीने. रिक्वायर्ड है आपसे ये रेंट एक्सपेंस अकाउंट बना दें फॉर द ईयर एंडिंग, फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 21. दिसंबर का है ना, 31 दिसंबर 21 ठीक, 21 का है, 20 का है, 21 कह रहे. मैंने आपको पेमेंट डेट बताई है 20 और 21, नहीं सॉरी, आपसे रेंट एक्सपेंस अकाउंट रिक्वायर्ड है 31 दिसंबर 20 ईयर का, 31 दिसंबर 20, यानी 1 जनवरी 20 से शुरू होगा ये अकाउंटिंग ईयर और 31 दिसंबर 20 पे खत्म हुआ होगा. इसका अकाउंट बनाना है. Thank you.
हाँ जी डन यू डूइंग जी ओपनिंग एक्रूड ये क्या चीज होगी जो पिछले साल हमने ईयर एंड पे आके एक्सपेंस बनाया था कि पे नहीं हुआ तो वो कितना बनाया होगा अगर आप पहले क्लोजिंग सोच लेना तो वो सोचना निस्बतन आसान हो जाएगा क्लोजिंग कैसे निकालें टाइमलाइन बना लें फर्स्ट सितंबर 20 को दिया कितना 120 उसके बाद फर्स्ट सितंबर 21 को दिया कितना 156 अब इसमें हमारा अकाउंटिंग ईयर कहां फॉल कर रहा है फर्स्ट जनवरी 20 से 31 दिसंबर 20 इस 156 में से कितना हमारे ईयर में फॉल कर गया 4 महीने तो वो पे तो नहीं हुए ना तो उसको हमें फिर लायबिलिटी बनाना पड़ेगा कितना 52 ये बात दोबारा सुने हम यहां खड़े हैं वो जो अगली पेमेंट है उसका एक हिस्सा इधर यूज नहीं हो गया वो तो उसको हमें अपनी लायबिलिटी कहना पड़ेगा इसी तरह जब यहां खड़े थे पिछले साल तो इस 120 में से ये यूज हो गया हुआ था कितना यूज हो गया हुआ था यही 4 महीने कितना 40,000 इस अकाउंटिंग ईयर में पे कितना हुआ है 120 बैलेंस करेंगे तो एक्सपेंस आ जाएगा 130 गलत हो गया चलें लॉजिकली कैलकुलेट करते हैं देखते हैं इन 12 महीनों का एक्सपेंस कौन सा होना चाहिए इस 120 में से कितने महीने 8 महीने और इस 156 में से 4 महीने तो इसमें से 8 महीने लें इसमें से 4 महीने लें तो फिर ऐसा करते हैं कि जैसा ओपनिंग अक्रूड के ओपनिंग प्रीपेड और क्लोजिंग प्रीपेड के बारे में जो गाइड किया था इसके बारे में भी बना लेते हैं ओपनिंग प्रीपेड के बारे में क्या तय किया था ओपनिंग प्रीपेड पिछली पेमेंट का वो हिस्सा जो इस ईयर में आ रहा है और क्लोजिंग प्रीपेड पेमेंट का वो हिस्सा जो अगले ईयर में जा रहा है इसके लिए क्या बनाएं क्लोजिंग अक्रूड क्या होगा हाँ शाबाश इस साल का वो एक्सपेंस जो अगले साल पे होगा चाहे ऐसे समझ लें कि अगले साल की पेमेंट का वो हिस्सा जो इस साल से रिलेट कर रहा है ये क्लोजिंग अक्रूड में लिख लें जिस तरह मैंने ओपनिंग और क्लोजिंग प्रीपेड की टिप्स बताई थी ना वैसे इसकी बता रहा हूं दोबारा सुनिए क्लोजिंग अक्रूड बता रहा हूं दो बातें कर रहा हूं दोनों में से जो आसान लगे लिखने दोनों लिखनी है दोनों लिखने चाहे उसको ऐसे कह लें कि इस साल के एक्सपेंस का वो हिस्सा जो पे अगले साल होना है वो क्लोजिंग अक्रूड है और चाहे ऐसे लिख लें कि अगले ईयर की पेमेंट का वो हिस्सा जो इस ईयर से रिलेट कर रहा ओपनिंग के लिए क्या याद रखें पिछले साल पे पिछले साल
पिछले साल का एक्सपेंस का वो हिस्सा जो अब आके पे हुआ है, या इसको ऐसे कह लें कि इस साल की पेमेंट का वो हिस्सा जो पिछले साल से रिलेट कर रहा है, ये शायद ज्यादा आसान है। इस पेमेंट का वो हिस्सा जो पिछले साल से रिलेट कर रहा है, ये ओपनिंग अक्रूड है। पेमेंट अब हो गई थी, एक्सपेंसेस ने बाद में बनना था, ये क्लोजिंग प्रीपेड था। एक्रूड एक्सपेंस में, हाँ बिल्कुल ऐसे ही, ये क्लोजिंग एक्रूड है, बिल्कुल ऐसे ही। ये टाइमलाइन में डालूं, लास्ट चीज ये रेंट पे कर रहे थे, अब रिसीव कर लेते हैं। रेंट पे किया था, रेंट डेबिट कैश क्रेडिट, रेंट रिसीव करेंगे तो बल्कि मैं पूरा नाम बोलता हूं, रेंट एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट, रेंट एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट। अब रेंट लेने वाले हैं तो कैश डेबिट रेंट इनकम क्रेडिट, और रेंट इनकम क्रेडिट। ईयर एंड आया, इतना रेंट और हम यूज कर चुके थे, पे नहीं किया था, एक्सपेंस बनाया, लायबिलिटी बना दी। अब मालिक मकान की तरफ से सोचते हैं, इतना रेंट हम अर्न कर चुके थे, मिला नहीं था, तो रिसीवेबल बना ले। हम अर्न कर चुके हैं, मिला नहीं अभी तक, तो रिसीवेबल बना लेंगे। तो हम मजीद इनकम बना के अपना एक रिसीवेबल बना लेंगे, उसको एक्रूड रेंट भी कह सकते हैं, रेंट रिसीवेबल भी कह सकते हैं। यही काम पिछले साल भी किया होगा, क्या किया होगा, रेंट रिसीवेबल और रेंट इनकम, और इसको अगले साल जाके रिवर्स कर दिया, रेंट इनकम और रेंट रिसीवेबल।
उधर ही है ना आप, मेरी तरफ लो, मेरे मेरी शक्ल उन्होंने क्या करनी है देख के, वो लिख के मैं साइड पे हूं तो वो नोट करना है उन्होंने। फिगर्स क्या थी? नहीं वो जो लॉजिकल कैलकुलेशन की उसकी बात करें, 120,000 किन 12 महीनों का है, उधर लाइन बनाई थी कि नहीं बनाई थी? एक 20 जिन 12 महीनों का है उनमें से कितने हमारे अकाउंटिंग ईयर में आ रहे हैं? फिर सोच लो, टाइमलाइन इसलिए बनाई है ना, वो एक 20 जिन 12 महीनों का है उनमें से हमारे अकाउंटिंग ईयर में कितने फॉल कर रहे हैं? 8। 8 × 20 × 8/12। इसी तरह वो जो एक 56 जिन 12 महीनों का है उनमें से कितने? 4। एंट्रीज नोटेड भाई, इस शक्ल का अकाउंट इसका भी बना लेते हैं। बताएं ओपनिंग एक्रूड की लाइबिलिटी थी, यहां पर ओपनिंग रिसीवेबल एसेट है, किधर लिखो? बल्कि इससे ना कंपेयर करें, पिछले वाली इनकम से कंपेयर कर लेते हैं। पिछला जो इनकम केस टू बनाया था, ओपनिंग एडवांस यहां लिखा था तो रिसीवेबल है तो इधर होगा। रिसीट्स कहां लिखी थी? हाँ तो रिसीट तो अभी यहां आएंगी। क्यों यहां आएंगी? कैश डेबिट इनकम क्रेडिट। क्लोजिंग एडवांस कहां लिखा था? इधर, तो क्लोजिंग रिसीवेबल इधर आएगा और बैलेंस करेंगे तो इनकम फॉर द ईयर।
ठीक है, नोटेड। अच्छा अब ये हो तो गया खत्म, मैं ये करता हूं कि कंप्रिहेंसिव एक फॉर्मेट देता हूं कि आप चार फॉर्मेट याद रखने की बजाय दो याद रख लें, एक एक्सपेंस का और एक इनकम का। ओपनिंग प्रीपेड हुआ तो इस साइड पे, ओपनिंग अक्रूड हुआ तो इस साइड पे, पेमेंट्स इस साइड पे, एक्सपेंस के दो केस पड़े ना, दोनों मिला के मैं एक ही बना रहा हूं, ये एक याद कर ले, वो रहने दें। क्लोजिंग अक्रूड इस साइड पे, क्लोजिंग एडवांस इस साइड पे, प्रीपेड सॉरी, और इसको बैलेंस करेंगे तो एक्सपेंस फॉर द ईयर इस साइड पे। इसी तरह से इनकम का भी एक कंप्रिहेंसिव बना लेते हैं। ओपनिंग रिसीवेबल है तो इस साइड पे, ओपनिंग एडवांस है तो इस साइड पे, क्लोजिंग एडवांस है तो इस साइड पे, क्लोजिंग रिसीवेबल है तो इस साइड पे, रिसीट्स इस साइड पे, और इनकम इस साइड पे। इनके दो चार नाम लिख लें बस, फिर ये टॉपिक खत्म है। मैं आपको दो चार नाम बताता हूँ कि इनको प्रीपेड एक्सपेंस को और क्या कहते हैं, एडवांस इनकम को और क्या कहते हैं। अच्छा ये ओपनिंग प्रीपेड, ओपनिंग अक्रूड निकालना, ये पहले लिख लिया ना सब। ओपनिंग ओपनिंग प्रीपेड या ओपनिंग एडवांस, इन दोनों के लिए सेम बात है। क्या सेम बात है? कि इस साल के पैसों का वो हिस्सा, नहीं सॉरी, पिछले साल के पैसों का वो हिस्सा जो इस साल से रिलेट कर रहा है। एक्सपेंस या इनकम दोनों बातें होंगी। पिछले साल के पैसों का वो हिस्सा जो इस साल से रिलेट कर रहा है, और क्लोजिंग प्रीपेड या क्लोजिंग एडवांस, इसके लिए क्या याद रखें? इस साल के पैसों का हिस्सा जो अगले साल से रिलेट कर रहा है। अगर ये पहले प्रॉपर्ली लिखा हुआ है तो ठीक है, मैं चाहते एक बार दोबारा बता रहा हूं। क्लोजिंग प्रीपेड हो चाहे इसकी बात हो रही है, क्लोजिंग एडवांस चाहे इसकी बात हो रही है, इस साल के पैसों का वो हिस्सा जो अगले साल से रिलेट कर रहा है, इस साल के पे किए हुए या इस साल के रिसीव किए हुए पैसों का वो हिस्सा जो अगले ईयर से रिलेट कर रहा है, वो क्लोजिंग प्रीपेड या क्लोजिंग एडवांस है।
क्लोजिंग एक्रूड या क्लोजिंग रिसीवेबल, इसके लिए जो पहले लिखवाया था वो दोबारा बता रहा हूं जिनके किसी ने नहीं लिखा, तो अगले साल के पैसों का वो हिस्सा जो इस साल से रिलेट कर रहा है। ओपनिंग एक्रूअल और ओपनिंग रिसीवेबल, इस साल के पैसों का वो हिस्सा जो पिछले साल से रिलेट कर रहा है। ये एक्रूअल प्रीपेमेंट वाला टॉपिक डन, कुछ सिर पर बात बन गई या ऊपर से गया था, क्योंकि हमारे पास टाइम इतना है कि बस हम गुजारा लाइक कर सकें का। अब बैड डेट थोड़ा सा बताना है और इन्वेंटरी कल, मतलब कल बैड डेट तो 10 मिनट की चीज है। दो चार नाम बता रहा हूं, जैसे एडवांस इनकम के 2-3 नाम लिखे, और एडवांस इनकम एडवांस इनकम को अनअर्न्ड इनकम भी कहते हैं, डेफर्ड इनकम भी कहते हैं। जी, एडवांस इनकम को अनअर्न्ड इनकम भी कहते हैं और डेफर्ड इनकम भी कहते हैं। पूछा कुछ? एक्रूड एक्सपेंस को एक्रूड एक्सपेंस, एक्सपेंस पेएबल भी कहते हैं, एक्सपेंस ड्यू, ड्यू DUE, और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस भी कहते हैं। यानी एक्रूड रेंट, रेंट पेएबल, रेंट ड्यू, आउटस्टैंडिंग रेंट, एक ही बात है। एक्रूड रेंट, एक्रूड एक्सपेंस, एक्सपेंस पेएबल, एक्सपेंस के नाम कोई भी होगा सर, एक्रूड एक्सपेंस, एक्सपेंस पेएबल, एक्सपेंस ड्यू और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। इनकम रिसीवेबल को इनकम रिसीवेबल, एक्रूड इनकम भी कहते हैं, एक्रूड इनकम, इनकम ड्यू भी कहेंगे, वैसे यूज होता नहीं है नाम इनकम ड्यू, लेकिन कहने को कह सकते हैं। बस ये एक्रूअल कॉन्सेप्ट वाला टॉपिक था। ठीक है, अल्लाह हाफिज। होमवर्क क्या का है ना, इनकम रिसीवेबल बताया तो है, लिखवा दू? चले लिख ले। लिखने भी एक सवाल लिख ले, चल ही रहा है ना। हाँ, एक सवाल ही लिख ले। एनुअल, एनुअल रेंट इज रिसीव्ड, एनुअल रेंट इज रिसीव्ड इन एरियज, एनुअल रेंट इज रिसीव्ड इन एरियज ऑन एवरी थर्टीएथ नवंबर। रेंट रिसीव्ड ऑन 30th November 2020 रेंट रिसीव्ड ऑन 30th November 2020 60,000 और रेंट रिसीव्ड ऑन 30th November 2021 30th November 2020 का था ना, 30th November 2021 चलो 84,000 अकाउंटिंग जुलाई से जून है,
और आप रेंट इनकम अकाउंट बना दें, रेंट इनकम अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 30th June 2021। चलो ये होमवर्क कर लेना, ठीक है, अल्लाह हाफिज़।